वन परिक्षेत्र छुरा पांडुका एवं परसूली के संयुक्त टीम ने छुरा खरखरा के वर्कशॉप दुकान तथा घर में तलाशी के दौरान लकड़ी जिसमें सागौन बीजा सराई व अन्य प्रजाति की लकड़ी जब्त की गई, जिसकी कुल कीमत 8 लाख आकी गई है। विभाग ने फर्नीचर मार्ट का लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया भी जारी कर दी है। वन विभाग के DFO मयंक अग्रवाल को विभिन्न सूत्रों से मुखबिर के द्वारा जानकारी मिली थी कि छुरा क्षेत्र में लगातार अवैध कटाई जारी है, जिसे लेकर SDO मुखर्जी को आदेश देते हुए छुरा पांडुका एवं सड़क परसूली के तीनों रेंजर व अन्य स्टाफों के ड्यूटी लगातार शिकायत प्राप्त होने पर छापामार की कार्रवाई की गई, जिसमें वन विभाग को आज एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें प्रीतम साहू तेजराम साहू निवासी ग्राम खरखरा, संजय पटेल निवासी छुरा वार्ड 15 फर्नीचर मार्ट, राजेश कुमार निवासी ग्राम खरखरा फर्नीचर मार्ट छुरा आमा पारा से सागौन बीजी सराई की विभिन्न बहुमूल्य प्रजाति की लकड़ियों को जब्त किया गया है। कुल जब्त लकड़ी 662 नग, लगभग 8 लाख की बहुमूल्य प्रजाति की लकड़ियों को जब्त किया गया। उक्त कार्यवाही में प्रमुख रूप से वन परिक्षेत्र अधिकारी सुयस धर दीवान अशोक भट्ट जयकांत गड़ेचा की मुख्य भूमिका रही। विभाग ने फर्नीचर मार्ट का लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया भी जारी कर दी है। मुख्यमंत्री संरक्षक महोदय रायपुर और हमारे वन मंडलाधिकारी महोदय करिया वन के निर्देशानुसार वन अपराधों पर लगातार सतत निगरानी और उस पर नियंत्रण करने के दिशा में हमें सूचना प्राप्त हुई थी यहाँ से, तो उस पर उसके बिना पर हमने अपने उप मंडलाधिकारी राजीव से तलाशी वारंट लिया और यहाँ पर 4 लोगों के यहाँ कार्रवाई की है, जिसमें छुरा नगर के 2 बढ़ाईगिरी करने वाले वर्कशॉप हैं, प्रीतम साहू और संजय पटेल का, और इसी के साथ ही खरखर ग्राम में भी 2 लोगों के घर में कार्रवाई की गई। यह एक ज्वाइंट ऑपरेशन रहा है और इसमें उपमंडल राजीव के हमारे छुरा वन परिक्षेत्र अधिकारी की टीम पर चंबे और मेरी वन परिक्षेत्र परसूली की टीम और पांडुका वन परिक्षेत्र अधिकारी की टीम ने ज्वाइंट ऑपरेशन करके अंजाम पाया है, और इस कार्रवाई के दौरान एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है और लगभग 662 नग चिरान, जिसमें बीजा ताल और सागौन के और कुछ विनिर्मित लकड़ियां हैं, जिस पर जिसको छापामार कार्रवाई के अंतर्गत जब्त की गई और जब्त करके उसको परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय लाया गया है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। और इसमें पूरी कार्रवाई के दौरान हम लोगों ने अभी कार्रवाई जारी है, जिसमें लगभग 6 घन मीटर का माल हम लोगों ने जब्त किया है। इसका भी मूल्यांकन किया जा रहा है, अनुमानता है 4 से 4.5 लाख रुपये की चिरान लकड़ी है।